तेजस्विनी और शीला पटना के एक हॉस्टल में रहती हैं। दोनों बैंक की कोचिंग कर रही हैं। कभी कभी देर रात में भी उन्हें जरूरी काम से निकलना पड़ता है, लेकिन पटना के पॉश माने जाने वाले बोरिंग रोड इलाके में रहने वाली ये लड़कियाँ डरी रहती हैं। वजह ये कि इलाके में छेड़खानी की घटना आम है, लेकिन हाल ही में आई एक खबर ने उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिखाई है। खबर ये कि शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिससे लड़कियों के साथ बदसुलूकी करने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी। छेड़खानी रुकेगी, जल्दी लोग पकड़े जाएंगे, अच्छे से बुलाया जा रहा है, सिक्योर फील करेंगे। बहुत सही ओपिनियन है ये गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ही ये सोच रहा है ना, इससे हम लोग सिक्योरली घूम सकेंगे। लेट नाइट को भी अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग को डर नहीं लगेगा, वरना हम हमेशा तो अनसिक्योर ही फील करते हैं ना कि बॉयज कहीं से आ जाएंगे, और बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज होती है। लेकिन शायद इन लड़कियों को बिहार पुलिस की कछुआ चाल का इल्म नहीं है। बता दें, अपराध अनुसंधान विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 26 दिसंबर 2012 को ही सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अपने शहर के सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित करने को कहा था, लेकिन 22 अप्रैल 2013 तक 35 जिलों के एसपी ने ही स्थलों का ब्यौरा भेजा है। बाकी 3 जिलों को ये ब्यौरा भेजने की फुर्सत अभी तक नहीं मिली है। 35 जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा छेड़खानी स्थलों की पहचान कर ली गई है, अपने जिला मजिस्ट्रेट को वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है, और शीघ्र ही हम हर जगह ऐसा कैमरा पाएंगे और वहां अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उसका उद्भेदन कर पाएंगे। वहीं पटना शहर की बहुत सारी लड़कियाँ छेड़खानी को सिर्फ कानूनी मसला नहीं मानती, उनके मुताबिक इसके सामाजिक पहलू भी हैं। जब तक अंजान का मेंटेलिटी नहीं बन जाएगा ना, सीसीटीवी कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता है। मतलब छेड़खानी रोकने के सीसीटीवी कैमरा लगाने से तो छेड़खानी रुक नहीं सकती है, क्योंकि छेड़खानी करने वाले तो किसी भी तरह से छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए मतलब जो भी पहल हो रही है इस पे, छेड़खानी के विरुद्ध जो भी पहल हो रही है, वो जहाँ तक सोचा जाए तो अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। बता दें, 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश जारी किए थे ताकि महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी रुके। लेकिन पुलिस की चाल ही कछुआ हो तो पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए जैसे टैगलाइन भी बेईमानी लगने लगते हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीतू तिवारी, RN News, पटना।